अहमद कहाँ है? आज स्कूल नहीं जाएगा क्या? जाना है, क्यों नहीं जाना? और अब्बू, उनकी तबीयत कैसी है? सो रहे हैं क्या? शायद सो रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं। दादा कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तक आए नहीं, जाकर देखो। मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ। अबू, दादा कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही तो देख कर आए हो। वहाँ तो नहीं है। बाहर गए होंगे। मगर घर का दरवाजा तो बंद था और लॉक भी मैंने ही खोला है। तुम दूध तो पियो। घर में बड़े हों तो घर भरा भरा लगता है, लेकिन अहमद के दादा अमीन घर पे नहीं थे। सब परेशान थे क्योंकि वो रोज सुबह उनके साथ नाश्ता करते। आखिर कहाँ गए वो? तुमने अब्बू को देखा कहीं? नहीं, क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत है। वो हाँ मुझे कह रहे थे अमीन साहब के तबीयत खराब है, मगर ये भी कह रहे थे कि कहीं जाना भी है उनको। कहीं जाना है? हाँ मुझे तो यही कह रहे थे अमीन साहब। क्यों, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे पता है। हाँ उनको तो जाना ही था। क्या मतलब? अमीन साहब कहाँ चले गए अचानक, किसी को खबर नहीं थी। क्यों गए ये भी कोई नहीं जानता था। क्या वो वापस लौट के आएंगे, और ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें जाने पे मजबूर कर दिया? ये हैं हमारे आज के सवाल, और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। अमीन साहब कौन थे? अपनी चीज की तरतीब खराब कर देते हैं ये लोग। थोड़ा सा अगर ये आदमी आप बाज नहीं आएंगे। हाँ नहीं आएंगे, जब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे मैं भी नहीं आऊंगा इससे। क्या कह रहे हैं अंकल, ये लोग तो कभी बाज नहीं आएंगे। तो मैं भी बाज नहीं आऊंगा। आपको क्या लगता है, आपके ऐसा करने से ठीक हो जाएंगे ये लोग? कूड़ा फेंकने वाले लोग कूड़ा फेंकते हैं और सफाई करने वाले सफाई करते हैं। जिसका जो काम है ना उसे करने दो। दो चाय लाना यार, बैठिए अंकल। हाँ अब बैठेंगे। आप किस दुनिया में रह रहे हैं सर? इसी दुनिया में, मगर लगता है कि लोग इस दुनिया में नहीं रहते। आपको किताब क्यों नहीं लिखते? मेरी किताब लिखने से क्या होगा? अरे लोग तो कुरान को नहीं पढ़ते, मेरी किताब क्या पढ़ेंगे? आप खुद ही मायूसी की बात कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। हाँ बेटा, काम की ही बातें कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ। बातें तो हमने बहुत कर ली हैं और ना जाने कब से कर रहे हैं। अगर इन बातों से कुछ हुआ होता ना तो आज बहुत कुछ हो चुका होता। चलो बातें खत्म, काम शुरू। ये बताओ कि तुम्हारा एमए कैसा चल रहा है? अच्छा है, टीचर्स को पढ़ाने से कम
और यकम तारीख में ज़्यादा दिलचस्पी है। क्लास एक नहीं लेनी और तनख्वाह पूरी पूरी। आम जबान में इसे हराम खोरी कहते हैं। तो आपने कभी नहीं ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। सालों पुलिस में मुलाजमत की है मगर हराम नहीं खाया न खिलाया। रिटायर्ड जरूर हूं मगर आज भी मैं अपने आप को इस इदारे का फर्ज समझता हूँ। क्या कह रहे हैं सर, ध्यान से, अगर किसी ने सुन लिया तो लोग पागल कहेंगे आपको। क्यों, क्यों समझेंगे पागल? इसमें क्या है? पुलिस, ये कैसे हो सकता है? मैं रोज देखता हूँ यूनिवर्सिटी जाते हुए। एक बात याद रखो बेटा, ये दुनिया है ना, ये तवाजुन पे कायम है। अच्छे और बुरे लोग हर जगह बराबर हैं। एक ज्यादा अच्छा हुआ तो ये दुनिया बन गई जन्नत, और एक बुरा ज्यादा हुआ तो बन गई जहन्नुम, समझे? मगर तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छे इंसान हो। सारी जिंदगी पुलिस में ईमानदारी से गुजार दी। बाप ऐसा हो तो बेटा भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन बेटा कैसा था जरा देखिए। हाँ भाई, कहाँ से आ रहा है? नर्सरी से आ रहा हूँ। और कहाँ जा रहा है? काली रोड जा रहा हूँ। ले भाई, इसकी तलाशी ले। क्यों भाई, क्या हो गया? किस चीज़ की तलाशी? शहर के हालात देखें, तलाशी ज़रूरी है, समझा? तो क्या मैंने किए शहर के हालात ख़राब? मुझे आप प्रोटेक्ट करने के लिए या तंग करने के लिए? अंग्रेजी बोल रहा है? अबे हमें क्या जाहिल समझता है? ले इसकी तलाशी। हर महीने एक मोबाइल छिनता है मेरा। उस टाइम पर आप लोग कहाँ होते हैं? यहीं होते हैं। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे 3,000 रुपये के मोबाइल के पीछे हम क्या अपनी जान खतरे में डालें? तुझे पता है हमारी तनख्वाह कितनी है? मुझे क्या पता? अबे जितने एक नए मोबाइल की कीमत, अब इतनी तनख्वाह में हम अपनी जान तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। तो छोड़ दो ना नौकरी, क्यों कर रहे हो? तू छोड़ देना शहर को। कुछ भी नहीं है। लाइसेंस है? कागजात नहीं। अब बता बेटा, तेरे साथ क्या करें? क्या मतलब है आपका? अबे मतलब मतलब छोड़, हमें कुछ दे दिला दो और जा निकल। क्या मतलब, आप लोग मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं? अबे नहीं मुन्ने यार, रिश्वत थोड़ी है। अबे तुम लोगों की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा खर्चा पानी बनता है बस, और क्या। एक ही बात है? एक ही बात नहीं है। अबे 24 घंटे की ड्यूटी है, जान भी जा सकती है। अबे सुबह जब घर से निकलते हैं ना, तो पता नहीं होता कि वापस आएंगे या नहीं। हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं और तुम हमें खर्चा पानी भी ना दो। अबे ये तो जुल्म है ना यार। ठीक है, चल निकल। सुन, आइंदा कागज लेके चला कर। चल निकल। बाप का हाल आपने देखा और बेटे का भी, लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, कैसे? अब्बू को खाना दे दिया? अभी आया नहीं, खाना निकाल के रखा हुआ है। हाँ भाई, बड़े होके क्या बनोगे? अब्बा, दादा और आपकी तरह पुलिस में जाऊंगा। क्या पागल हो गया है? पुलिस में जाके क्या करेगा, और हमने क्या कर लिया जो तू कर लेगा? दादा कहते हैं तुम पुलिस में जाके मुल्क और कौम की खिदमत करना। नेक बाप, कितनी दफा तुझे मना किया कि इसको अब्बू के पास मत छोड़ा कर, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सिखाते रहते, मुल्क और कौम की खिदमत। कौम अपनी खिदमत खुद कर रही है, हमें जरूरत नहीं उसकी खिदमत करने की, समझा? मगर दादा तो बहुत कुछ कहते हैं, और जरूरी नहीं कि उनकी हर बात मानी जाए।
देखो अबू आए होंगे। मैं खाना देके आती हूँ। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की तूने, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तो क्या करूंगा? मेरे बेटा मेरे लाल, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, और जो तेरा दिल चाहे वो बन जा। यार मैं इतना जो कमाता हूँ किसके लिए? बेटा खाना तो मैं ले आया, ये देखो। मगर अब्बू ये। बेटा तुम ऐसा करो कि पानी ला दो और बर्तन ला दो मुझे। शाबाश। या अल्लाह बड़ा दर्द रहने लगा है घुटनों में। या अल्लाह करम कर दे। एक ही घर में रहते हुए बाप बेटा अलग थे, बात होती लेकिन वाजिबी सी। अहमद इन दोनों के बीच में पिस रहा था, उसकी समझ में ना आता कि किसकी बात सुने और किसकी माने। फिर हमने फायर खोल दिया। वो चार डाकू थे और हम 12। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाकर उनको पकड़ लूं। क्या होगा, फायर ही करेंगे ना, अगर मेरे सीनियर ने मुझे रोक दिया। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर क्या होना था, हमने 3 घंटे मुकाबला किया, रात से सुबह होने लगी, उनका एक बंदा मारा गया, हमारे एक सिपाही को कंधे पर गोली लगी। क्या गोली? खून आया? हाँ बहुत खून आया। उसको हमने अस्पताल रवाना किया और इस तरह से मुकाबला खत्म हो गया। बस अब तुम जाके सो जाओ, नींद आ रही है भाई। नहीं ना दादू, और सुनाए ना, मुझे मजा आ रहा है। नहीं यार देखो तुम सो जाओ, देखो तुम्हें सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। दादा मैं भी पुलिस में जाऊंगा ना। हाँ हाँ तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। मगर अब्बू कहते हैं कोई जरूरत नहीं है पुलिस में जाने की, कुछ नहीं मिलेगा। मैं जब भी उनसे कहता हूँ कि मुझे पुलिस में जाना है तो वो डांटते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? अभी तुम छोटे हो ना बेटा, जब बड़े हो ना जो तुम्हारा दिल चाहे। आप भी नहीं चाहते ना, मुझे पता है। नहीं चलो अहमद सो जाओ। सादिक का मोहल्ले में एक रोब सा था, कोई उससे ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता था। ये दे दो। बेटा ये कल दे दूंगा, अपने अब्बा से कहना जरा आके मुझसे मिल लें। क्यों, उनको क्यों ला रहे हो बीच में? मैं रोज सामान लेके जाता हूँ, वो पैसे दे देते ना। आप सामान दे दें, वो कल आके पैसे भी दे देंगे और आपसे बात भी कर लेंगे। हाँ भाई कल क्या कह रहा था तू बच्चे से मेरे? सलाम सादिक भाई। बता क्या कह रहा था बच्चे से? वो कुछ भी नहीं, काफ़ी दिनों से आपको देखा नहीं था, सोचा मुलाकात हो जाती तो। अब तू मुझे मुलाकात के लिए बुलवाएगा हैं? नहीं नहीं सादिक भाई, आप रोज़ यहाँ से गुजरते हैं ना, तो काफ़ी दिनों से देखा नहीं इसलिए। बात सुन, तेरे लड़के को कैसे किसने निकलवाया था मैंने, समझा? अगर सारी जिंदगी भी तुझसे संभाल लेता रहूँ ना तो तू फिर भी उसका एहसान नहीं चुका सकता। अगर मैंने भांडा फोड़ दिया ना कि मुनीर का बेटा जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, तो तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझा? नहीं 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 सादिक भाई नहीं। चुपचाप सर नीचे करके जो सामान मंगाते ना देता जा, तेरे और भी तो काम फंसेंगे। क्या दुनिया एक ही काम पर ख़त्म हो जाती है क्या?
जी सादिक भाई, पता नहीं बच्चे ने आपको क्या कह दिया। बस बस ठीक है। उधर बाप ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी बसर कर रहा था, किसी का एहसान तक लेना गवारा ना करते। अरे अनिल साहब, सलाम अलैकुम। आए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ, शाबाश। अरे आए ना। मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला ने मुझे टांगे दी हैं, जब तक जान है चलता रहूंगा, शाबाश। सारा दिन पैदल चलते रहते हैं, थक नहीं जाते आप? थकन कैसी, जब मैंने पुलिस में ट्रेनिंग की थी तो एक दिन में कई कई मील भागता था, वो पुलिस ट्रेनिंग काम आ रही है, हैं? और तुम्हें तो ये मोटरसाइकिल और गाड़ियों ने मार दिया है। हाँ बस भाई, क्या करें, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से पैदल जाऊँ ना तो 5 घंटे लगेंगे। हाँ सच कहा तुमने। अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारे पेपर कब से हो रहे हैं? बस फाइनल सेमेस्टर है। अब ये क्या होता है? बस यूँ समझ लीजिए कि आखिरी एग्जाम है, फिर CSS की तैयारी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ठीक है ना? अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम जाओ, शाबाश। अरे आए मैं चला जाऊँ, शाबाश बेटा, अल्लाह। मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं आता था कि अमीन सादिक साहब का बेटा है, दोनों में इतना फर्क था। बेगम कह रही है नया टीवी ला दो, मैंने कहा नए टीवी में शाहरुख खान निकल के आएगा क्या? मैं तो ला देना, बीवी की ख्वाहिश पूरी कर दे। पैसा नहीं है, टीवी मुफ्त का आता है, कहाँ से लाऊं? और वो जो बोल रही है ना, कम अज कम 40 का आएगा। मैं तो मुझसे उधार ले ले, बाद में दे दियो। अरे नहीं सादिक भाई, मैं आपसे पहले ही बहुत ले चुका हूँ। फिर एक काम करते हैं, चल बाहर लोगों से ले लेते हैं। अब तो अफसोस होता है ईमान से लोगों से लेते हुए, बेचारे पहले ही पीसे हुए, हम ऊपर से और उन्हें पीस रहे हैं। अबे उन्हें मजा आता है पिसने में, जब से ये मुल्क बना है ना कौम पिसी रही है, और जब एक चीज़ की आदत पड़ जाए ना तो बहुत मुश्किल से छूटती है। बचपन में मेरी माँ मुझे रोज़ मार के सुलाती थी। वो क्यों? मैं सोता ही नहीं था। एक रात मेरी माँ मुझे मारना भूल गई, मुझे नींद ही नहीं आई। कहने का मकसद ये है, ये जो आवाम है ना, इसको रोज़ का एक जूता चाहिए, जब तक जूता पड़ता रहेगा सुकून में रहेंगे, और जिस दिन नहीं लगेगा ना उस दिन रोक के पूछेंगे, सादिक भाई खैरियत तो है? अब आज कुछ लिया नहीं, लेते जाओ। ये तो है। और एक बात बता दूँ, हम खुद नहीं लेते, सबको पता है कि कागजात और लाइसेंस लेके निकलना चाहिए, नहीं निकलते हैं, कौन पूछे? अबे भाई इसमें भी हमारा कसूर है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो उल्टा कौम पे एहसान कर रहे हैं, उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आप एक नई बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बता, तू सो रहा है और कोई आके तुझे जूता मारेगा तो तू क्या करेगा? उठ के बैठ जाऊंगा। अबे यार सादिक भाई, आप बिना गलती से आ गए हो पुलिस फोर्स में, आपको प्रोफेसर होना चाहिए था कहीं किसी यूनिवर्सिटी का। अबे क्या पागल हो गया है, सारा भूख से मरवाता यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। वो क्यों? भाई इस मुल्क में सब चोर हैं, प्रोफेसर से लेके जमादार तक, काम चोरी भी एक चोरी होती है। अबे हम कोई काम चोरी थोड़ी करते हैं, डंके की चोट पे लेते हैं, समझा? बड़ा मुश्किल है इस दौर में ईमानदारी से गुजारा करना। अब ऐसा भी नहीं है, तुम्हारे अब्बा ने भी गुजारा किया है ना, पूरी पुलिस फोर्स मिसाल देती है उनकी। हाँ तो क्या हो गया सादिक भाई? चल सर वो चाय के पैसे। अबे इससे पहले हमने पैसे दिए तुझे? चाय के पैसे सादिक भाई। बेटे से बाप की तारीफ न सुनी जाती, दोनों एक दूसरे से इतना बेजार क्यों थे, आखिर इसकी वजह क्या थी? आज देर कर दी आपने,
हाँ बस हो गई देर। खाना लगाऊं? नहीं, वो ताहिर के साथ बाहर खा लिया था। वो आप कह रहे थे ना आपको बड़े साहब ने बुलाया था। हाँ बुलाया था, कह रहे हैं कि एक स्पेशल फोर्स बन रही है उसमें चले जाओ, कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। अच्छा तो फिर आपने क्या कहा? नहीं मना कर दिया मैंने, कह दिया मैंने कि मैं फिजिकली अनफिट हूँ। क्यों, तो चले जाना था ना आपने। अरे पागल हो गई है क्या, हर वक्त जान का खतरा, कौन जाएगा इनकाउंटर्स में। और ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है ना, लगता है कि कागज़ की हैं, गोली रुकती ही नहीं, सीधी आर पार, फिर बैठ के मातम करना तुम मेरा। क्यों आप डर रहे हैं? हाँ जितनी तनख्वाह मिलती है ना इसमें जान नहीं दे सकता। क्यों, पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी तो तुम्हें पता नहीं था कि गोली लग सकती है, जान जा सकती है। अब्बा आप हमारे बीच में ना बोले, हमारा आपस का मामला है। क्यों ना बोलूं बीच में, बेटे हो तुम मेरे, तमाम पुलिस फोर्स मेरी बहादुरी पर नाज करती है और तुम मेरे बेटे, लड़ने से डर रहे हो, पीछे हट रहे हो तुम। हाँ पीछे हट रहा हूं, क्या दे दिया आपकी बहादुरी ने, 40 साल से किराए के मकान में रह रहे, एक मकान तो बना के दे नहीं सके आप, अचार डाले ऐसी बहादुरी का। गोली खाई थी ना आपने, क्या मिला, एक मेडल जो आपकी अलमारी में सड़ रहा है, उसको बेच के तो इतने बिस्किट भी नहीं आएंगे कि शाम की चाय के साथ खा सकें। मैंने पुलिस की नौकरी मकान के लिए नहीं की थी, ईमान के लिए की थी, और मेरा जमीर मुतमईन है। कौन है ये जमीर साहब, कभी मिलवाई है ना उनसे, प्यास लगती है, खून निकलता है उनका। अब्बा मेरा जमीर भी मुतमईन है, नौकरी को नौकरी समझ के कर रहा हूँ, कोई जज्बातियत नहीं चाहिए मुझे। ठीक कह रहे हो, मैंने पैसा नहीं कमाया लेकिन मैंने नेक नामी कमाई है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत इज्जत इज्जत, माफ कर दे अब्बा, मुंह पे करते हैं आपकी इज्जत, पीठ पीछे क्या बकवास करते हैं पता है आपको, कहते बुड्ढा पागल हो गया, सटिया गया है, इस दौर में ईमानदारी की बातें करता है। अगर इस इज्जत के बजाय कुछ पैसे कमाए होते ना, आज मेरी माँ और बहन जिंदा होती। उनको बीच में क्यों लाते हो? लाऊंगा बीच में, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो क्या कहा था आपके डीआईजी ने, अमीन अली आपकी बीवी और बेटी का इलाज हम करवाएंगे, करवाया, 100 चक्कर मारे आपके डीआईजी के पास, हाथ जोड़े कि सर मेरी माँ और बहन का इलाज करवा दे, या कम से कम इतनी मदद कर दे कि हम उनका इलाज करवा सके। क्या मर गए ना वो दोनों, क्या दिया आपकी इज्जत में बताए। ये थी वो चपकलिश जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बददिल हो चुके थे और इसका असर अहमद पे पड़ रहा था। अम्मी, हाँ बेटा, एक बात तो बताएं। हाँ बेटा पूछो। जो पुलिस में होता है वो बहादुर होता है ना? हाँ बेटा, क्यों? तो अब्बू क्यों नहीं है? तुमसे किसने कहा? अब्बू खुद कह रहे थे, मैंने खुद सुना है। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, चलो जाओ शाबाश। दादा तो बहुत बहादुर थे, इतने सारे डाकुओं से लड़े वो तो। मैंने कहा ना जाओ, जाओ अपना काम करो, सुबह से खेल रहे हो, चलो जाओ शाबाश। दादा। हाँ बेटा। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बेटा। अब्बू डरपोक हैं? नहीं बेटा, आजकल सब डरपोक हैं, सब डरते हैं, हर चीज से डरते हैं, बस खुदा से नहीं डरते। दादी को क्या हुआ था? नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं। अगर मैं भी पुलिस में जाऊं और मेरी अम्मी बीमार हो जाएं तो क्या मैं भी उनका इलाज नहीं करा सकूंगा? होए होए होए, बहुत देर हो गई भाई है, और टाइम का पता ही नहीं चला। बताए ना दादू। कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था बेटा, जाओ सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, जाओ। शाबाश। अमीन साहब एक हसास और जज्बाती आदमी थे,
मगर एक दिन उन्हीं ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसकी मैं उनसे उम्मीद ही नहीं कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो ताहिर मियां? मैं ठीक हूँ सर। अरे ये तुम सर सर क्यों कह रहे हो, मैं कोई तुम्हारा ऑफिसर थोड़ी हूँ। अरे पूरी पुलिस फोर्स को आप पे नाज है सर, और सादिक की आधी इज्जत तो इसीलिए कि वो आपका बेटा है। अच्छा बेटा, बैठो बैठो। पेपर खत्म हो गया अमीन साहब। अच्छा अच्छा, शाबाश। बस अब दुआ करें कि CSS हो जाए, फिर सीधा पुलिस में। ASP शायद करीम। पुलिस में नहीं, पुलिस में नहीं जाना, नहीं जाना पुलिस में। क्यों, पुलिस में क्यों नहीं? बस बस वैसे ही AC लग जाना कहीं, AC। मगर आप तो खुद पुलिस। हाँ मैं था पुलिस में, मगर तुम क्यों जाओ, क्यों जाओ तुम? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मगर इज्जत तो। इज्जत? इज्जत के लिए करोगे सब कुछ? कभी इज्जत से रोटी खाई है तुमने? ये बच्चा अगर चाय के पैसे मांगने आएगा ना, तो इज्जत तो एहतराम से नहीं मांगेगा। इज्जत का क्या करना है, क्या कर रहा है इज्जत का? मैंने भी कमाई थी इज्जत, मगर देखो मेरे दोनों हाथ खाली है। मगर सर आप खुद ही तो कहते थे। गलत कहता था मैं, गलत कहता था, बिल्कुल गलत कहता था, गलत। भाई पैसे। पागल है बुड्ढा। दोबारा मत बोलना इसको अमीन साहब। दोनों ही पागल हैं अमीन साहब। जब इंसान टूटता है और उसका मान टूटता है तो सब कुछ बिखर के रह जाता है। अमीन साहब भी टूट गए। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा। दादा वो मेरी मैडम ने ना एक मजमून लिखने के लिए दिया है मेरे दादा पे, तो मैं ना आप पे कहानी लिख रहा हूँ, कैसा है? क्योंकि मेरा हीरो तो आप है ना। नहीं मैं तुम्हारा हीरो नहीं हूँ। नहीं आप हैं हीरो। मैं पुसिल, और आज तक मैंने तुम्हें जितनी भी कहानी सुनाई है सब झूठी है। मैं सबसे पहले भागता था, सबसे पहले जब भी मुकाबला होता था। आप मजाक कर रहे हैं ना? सब मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझ पर हंसते थे। तुम्हारा दादा बुजदिल था, समझे? मेरा दादा बुजदिल नहीं है, नहीं है बुजदिल। मैंने स्कूल में सब लड़कों को बताया कि मेरे दादू ने डाकू को मारा है, जान बचाई है कई लोगों की। आप मजाक कर रहे हैं ना दादू, आप मजाक कर रहे हैं ना। दादू झूठ बोल रहे ना, दादू बहादुर है ना, अम्मी दादू बहादुर है ना। जो कुछ हो रहा था तूबा उससे बहुत परेशान थी। उसने सादिक से बात की। ये क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है? तुम्हें अब्बू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने हमें सारी जिंदगी हर चीज और हर आसाइश से महरूम रखा, और आज मैंने अगर उनसे ऊंची आवाज में बात कर ली तो कौन सी कयामत टूट पड़ी? कयामत का तो मुझे नहीं पता, मगर उनका दिल जरूर टूटा है। सारी जिंदगी जिस चीज पे वो मान करते रहे, आपने एक पल में उसे जमीन पे दे मारा। आज जो कोई भी इज्जत है ना फोर्स में, वो भी अब्बू की वजह से, जिसे मैं तो कुछ करता ही नहीं। नौकरी भी अब्बू की वजह से, इज्जत भी अब्बू की वजह से। यही कहना चाह रही हो ना तुम? जबरदस्ती पुलिस में भर्ती करवा दिया, मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। 2% की इज्जत नहीं है पुलिस वालों की, कोई हमें पूछता ही नहीं है। किसी नाके पे खड़े होकर लोगों से बात करके देखो, नफरत हो जाएगी तुम्हें अपने आप से।
पर आप जो उनसे पैसे लेते हैं क्या मुझे नहीं पता? क्यों नहीं लूं? जब नाके पर रुकने वाला हर आदमी मुझे चोर समझता है तो पैसे लूंगा। नाके पर रोको तो सलाम करने के बजाय कहते हैं क्या है। ईद की नमाज के बाद सब एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, हमें तो कोई पूछते ही नहीं है जैसे कि हम काफिर हैं। नाके पर अगर तलाशी के लिए रोको तो जेब से मोबाइल निकालते हैं और फोन करने लगते हैं जैसे कानून उनकी रखेल हो। थोड़ी देर के बाद बड़े साहब का फोन आ जाता है कि छोड़ दो। तो क्या करूं, बड़े साहब तक नौबत ही जाने ना दूं, कुछ अपना ही भला हो जाए। हलाल की कमाई में भी घर चल सकता है, स्पेशल फोर्स में हो जाते उससे क्या होता, मारा जाता ना, और जिनके लिए मारा जाता वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी नहीं पढ़ते। कभी खबरों में देखा है कि शहीद कहो पुलिस वाले को? यही कहते हैं ना, 3 पुलिस वाले फायरिंग से हलाक या जा भाग। ये जो ऊपर से पैसे लेता हूं ना, इसको जान का सदका समझा करो, और उतने ही लेता हूं जिससे घर का खर्चा चले। कोई ताजमहल खड़ा नहीं कर रहा हूं मैं, चलो सो जाओ। दूरी बढ़ती गई। अमीन जो दूसरों को रासबाजी का सबक दे रहा था, उसका अपना ही बेटा उससे बगावत कर चुका था और इसकी खनक अमीन ने भी सुनी। मुनीर मियां, आपने कल मुझे 500 रुपए कम किए। वो कैसे? देखे, रात को मैं आया था तो मैंने आपको 1000 का नोट दिया था और 110 रुपए का सामान था, तो जितने आपने मुझे दिए तो वो मैंने जेब में डाले और चला गया। जब मैंने घर में जाकर देखा तो वो 390 रुपए थे, हालांकि उसे 890 रुपए होना चाहिए था। देखें बड़े मियाँ, आपको गलत फहमी हुई होगी, मैंने आपको पैसे पूरे दिए थे, घर में जाकर देख लें। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने घर जाकर देखा था। अरे कहीं गिर गिरा गए होंगे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चोरी की भी हद होती है मुनीर मियाँ। अरे देखिए बड़े मियाँ, ये लेक्चर जाकर अपने घर में अपने बेटे को दो। ये एक छोटा सा काम क्या करवा लिया उससे, 6 माह से मुफ्त सौदा ले रहा है वो मुझसे, ये चोरी नहीं है क्या? बोले नाम तो सोच समझ कर रखा होता उसका, नाम देखो और काम देखो। छोटा सा काम क्या करवा लिया उससे, 6 माह से मुफ्त सौदा ले रहा है वो मुझसे। छोटा सा काम क्या करवा लिया उससे, 6 माह से मुफ्त सौदा ले रहा है वो मुझसे। 6 माह से मुफ्त सौदा ले रहा है वो मुझसे, मुफ्त सौदा ले रहा है वो मुझसे। अमीन साहब मुझे पूरा दिन नजर नहीं आए, मैं उन्हें ढूंढता रहा। अमीन साहब के घर भी गया तो अहमद ने कहा दादा सुबह से बाहर हैं। अमीन साहब कहाँ हैं आप? मैं आपको कितनी देर से तलाश कर रहा हूँ। अमीन साहब, किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम बहुत याद आओगे बेटा। क्या मतलब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा हूं मैं, अब अमीन के बेटे को लोग चोर कहेंगे, चोर चोर कहेंगे, चोर कहेंगे।
अमीन चले गए, कहां गए ये तो किसी को इल्म न था, लेकिन क्यों गए ये जरूर मालूम था शाहिद को। शाहिद, अबू ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? हाँ मुझे बता रहे थे। मैंने सादिक भाई को रात वाला पूरा वाकया बताया। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। घर में जो खैर और शर की जंग छिड़ गई थी उसमें शायद सभी हार गए थे। गलती किसकी थी ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक बात तय है कि जहां गलत फहमियां और महरूमियां हद से बढ़ जाएं वहां कभी कभी